क्वेश्चन नंबर 255 में क्या दिया है, इफ 2 to the power x plus y minus 2z equal to 8 to the power 8z minus 5 minus y, तो 2 का पावर है x प्लस तो y माइनस 2z इक्वल टू 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 टाइम्स 8z माइनस 5 माइनस y हो जाएगा, मतलब कि 2 to the power 24z minus 15 minus 3y। कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस y माइनस 2 टाइम्स z इक्वल टू 24 टाइम्स z माइनस 15 माइनस 3y, तो अपने पास आ गया है x प्लस 4y माइनस 26 z इक्वल टू माइनस 15। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, सेकंड है 5 to the power 4y minus 6z, इसका वैल्यू है 25 का पावर y प्लस z, 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 2y प्लस 2z हो जाएगा। अभी बेस सेम है तो पावर इक्वल करेंगे, 4y माइनस 6z बराबर 2y प्लस 2z, तो यहाँ से क्या आ रहा है 2y इक्वल टू 8z, तो y का वैल्यू कितना आ गया है 4z, चलिए इसका नाम 2 रख लेते हैं। थर्ड जो दिया है ना वो है 3 to the power 4x minus 3z इक्वल टू 9 to the power x plus z, 9 को 3 स्क्वायर लिखेंगे तो 3 to the power 2x plus 2z हो गया। बेस सेम है तो पावर भी सेम होना पड़ेगा, 4x minus 3z इक्वल टू 2x plus 2z, तो यहाँ से आ जाएगा 2x का वैल्यू 5z। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x plus 3y plus 5z, 2x का वैल्यू 5z हो गया, 3y का वैल्यू कितना हो जाएगा 12z प्लस 5z, तो 22z। अभी z का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से x का वैल्यू पुट करते हैं तो आ गया 5z बाई 2, 4y का मतलब हो गया 16z माइनस 26z इक्वल टू माइनस 15, तो कितना आ जाएगा 5z माइनस 26, 16 माइनस 26 तो 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 20, जेड बाई 2 इक्वल टू आ गया माइनस 15, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है माइनस 15 जेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 15, तो जेड का वैल्यू हो गया है 2, जेड का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ से 2 पुट कर दीजिए, 22 इंटू 2 आंसर है 44, तो सही आंसर क्या हो गया 44, जो कि है ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या किया है, पावर बेस इक्वल कर दिया, बेस इक्वल करेंगे तो पावर ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तभी दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया और वहाँ से हमने इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।